सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ अनदर गुड डे। आज मैं थोड़ी सी एक डिटेल टू डिटेल बातें करने वाला हूँ। तो मैं बताने वाला हूँ, मैंने एक्चुअल में इस बाइक में 200 रुपये का तेल डलाया था, ठीक है। अब मैं एवरेज टेस्ट करने वाला हूँ अकॉर्डिंग। मैंने इसको ट्रिप को ज़ीरो किया था, तो अभी तक ये चल चुकी है 68 किलोमीटर 2 लीटर तेल में, ठीक है। 68 फिर डिवाइड कर देंगे 1 लीटर से, ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। तो 2 लीटर जो है इसमें हमने क्या बोलते हैं तेल डाला था, क्योंकि तुम्हें पता है तेल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं इस टाइम पे। तो 2 लीटर तेल डाला था, 68.3 किलोमीटर चल चुकी है, और अभी एक्चुअल रीडिंग्स हम आगे आपको डिस्कस करते रहेंगे। तो ये है एक्सपल्स 200 2V, यानी कि 2 वेल्व वाली, 4 वेल्व वाली का टेस्ट हम इन फ्यूचर करने वाले हैं, बड़ा तगड़ा सा टेस्ट करेंगे उसका भी। और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया पुरानी वाली वीडियो पर, थैंक यू सो मच। एंड गिव अवे जो है जल्दी आने वाला है, यानी कि अगली वीडियो में शायद मैं गिव अवे अनाउंस कर दूं कि कैसे कैसे करके आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का है और कैसे कैसे नहीं करने का है। तो वो सारी चीज़ें जो है आने वाले व्लॉग्स में, आने वाले अगले व्लॉग में आप देख पाओगे। अभी देखो हम घूम रहे हैं करनपुर की सॉरी करनपुर बोल रहा हूँ देहरादून की गलियों में। एंड अभी रीडिंग हो चुकी है 81.1 किलोमीटर अभी तक रीडिंग हो चुकी है। तो अभी तो देखो सही चल रहा है सब कुछ, और मैं टैंक खोल के देखने नहीं वाला बिल्कुल भी कि तेल कितना है। टैंक खोल के देखूंगा मेरे को धक धक होनी शुरू हो जाएगी मेरे दिल में। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो अभी ये वही वाला रास्ता है जहाँ पे मैं एक टाइम पे CBR दौड़ा रहा था, अगर किसी ने मेरा CBR वाला व्लॉग देखा हो तो ये वही वाला है। देखो कांस्टेंट स्पीड और बड़े गियर में मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी जितना हो सकता है, क्योंकि देखो भीड़ भीड़ भी होती है, तो ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से अपने को जो है एवरेज निकालना चाहिए। हाईवे पे तो सारी गाड़ियाँ क्या कार भी एवरेज देती है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ना ट्रैफिक कंडीशंस के तौर पे हमें गाड़ी का एवरेज निकालना चाहिए, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स होते हैं ना वो वही चीज़ देखते हैं कि हाँ यार ट्रैफिक में हर कोई हाईवे पे नहीं जाता, हर कोई इधर उधर नहीं मंडराता, टूर्स वगैरह नहीं करता। तो हाईवे के वो ट्रैफिक के हिसाब से, यानी कि ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से जो है हम जो है इसका एवरेज टेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पर, और लेट्स सी कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और कितने बुरे रिजल्ट्स आते हैं। बुरे रिजल्ट में वो होगा कि मैं धक्के मार के गाड़ी पेट्रोल पंप तक ले जाने वाला हूँ, अच्छे रिजल्ट में ये होगा कि ये 100 क्रॉस कर जाए। तो मैं दुआ यही करूँगा कि 100 क्रॉस कर जाए बस, उससे क्या होगा हमारा जो 1 लीटर तेल है ना वो हमारा चलेगा 50 किलोमीटर, तो काफ़ी अच्छा एवरेज है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा एवरेज है। तो मैं वही दुआ करूँगा। देखो अभी 80 का दे दिया है, इट्स अप्रॉक्स 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है अभी होगा, अगर अभी तेल ख़त्म हो जाता है तो, और हो जाता है 20 किलोमीटर बाद तो 50 होगा। भाई 50 बहुत ज़्यादा होता है सिटी में चलाने के लिए, क्योंकि मैं इसको सिटी में ही चलाता हूँ ज़्यादातर। जो अपनी एरर है वो आजकल जो है सर्विस सेंटर पे है, तो उसकी रिपेयरिंग चल रही है, कुछ पार्ट्स टाइम के हिसाब से ख़राब हो जाते हैं तो उनको ठीक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड मैं वही कर रहा हूँ बस। और अभी हो चुका है 28.2 किलोमीटर्स। तो लेट्स सी कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम अब, कहाँ तक। एकदम रैली वाली एक्सपल्स का भी जो है वो टेस्ट करेंगे, एवरेज टेस्ट करेंगे। रैली वाली एक्सपल्स है जो हमारे ग्रुप में, उसका भी एक दिन मैं जो है एवरेज टेस्ट करने वाला हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा एवरेज टेस्ट करूँगा, ऐसा वैसा टेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि हम सबको, यानी कि मुझको भी और मेरे दोस्तों को भी ये लगता है कि नहीं देती है, मतलब एवरेज नहीं देती है, तो ऐसा लगता है सबको कि उसका एवरेज बहुत कम है। बिकॉज वो गाड़ी ना, मतलब उस गाड़ी में तेल होने के बाद भी ना वो गाड़ी ना काफ़ी बार बंद हो जाती है, तो जो है हमको यही लगता है कि उसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है या आई डोंट नो क्या है। तो वही मैंने इसी रोड पे जो है 4V भी चलाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया आप लोगों ने उस वीडियो पर भी, थैंक यू सो मच गाइस। तो अभी हो चुके 91.4 किलोमीटर्स, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और अभी तक जो है मेरे को बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी वैसी वाली फीलिंग नहीं आई कि गाड़ी मिस हो रही है, मिसिंग मार रही है या कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ अभी तक फील नहीं हुआ मुझे।
तो बस 10 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और, बस 9 किलोमीटर और चल जाए बस। मैंने एक्यूरेट 200 रुपये का तेल डलाया था, एक स्क्रीनशॉट है वो भी मेंशन कर रहा हूँ मैं, एक्यूरेट 200 रुपये का तेल, ठीक है। और ये रिजल्ट्स हैं आप लोगों के सामने, अनएक्सपेक्टेड, सीरियसली अनएक्सपेक्टेड कि इतना एवरेज दे देती है सेटिंग, ठीक है। नॉर्मली चला रहा हूँ 40, 45, 50 तक भी, 50 तक खींच रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 50 तक इज़ लाइक कि ओके है, ठीक है, बढ़िया है, 50 तक लेके जा रहा हूँ। 55 भी कभी कभी चला जाता हूँ, जैसे ये वाली रोड है तो यहाँ पे 55 तक मैं चले जाता हूँ, लेकिन 55 से अबव नहीं। 92.2 किलोमीटर्स डन, ठीक है। एंड रिजल्ट्स का वेट है, बस रिजल्ट्स का वेट है। देखो जैसे ही 100 होगा ना मैं फ्यूल अप करा लूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं मांगता अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी, तो मैं फ्यूल अप करा लूँगा उसके बाद, जैसे ही 100 होगा। और क्या पता 100 हो या ना हो, नहीं भरोसा मुझे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है इससे पहले भी। मैं मतलब व्लॉग करने से पहले जब मेरे को याद आया कि हाँ मैंने 200 रुपये तेल बाइक में डलाया है, तो मैंने क्यों ना एक एवरेज टेस्ट कर लिया जाए, बढ़िया सा चौकस सा बिल्कुल, क्योंकि मैंने बिल्कुल खाली टैंक में, एम्प्टी टैंक में फ्यूल अप कराया था 200 का, और उसमें ये जो है ये रिजल्ट्स उसमें आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा जो है इसको, थोड़ा सा इसका टेस्ट वेस्ट ले ले बाइक के, और कितनी चीज़ों में हमें खुश कर सकती है। तो काफ़ी चीज़ों में जो है, ऑफ रोडिंग में, ऑन रोड, हाईवे, टूरिंग, सब में इसने मुझे बहुत ज़्यादा खुश किया, खुश किया इन द सेंस बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छी रही है ये बाइक, ठीक है। एंड इसमें एवरेज टेस्ट में भी अभी तक देखो इतना रिजल्ट अगर किसी मेरी बाइक ने दिया ना तो वो सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई बाइक नहीं है जिसने इतना अच्छा मेरे को रिजल्ट दिया हो एवरेज के मामले में। 200 cc है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को सीरियसली बताऊँ तो बहुत मज़ा आता है। हाँ मुझे पता है इन फ्यूचर तेल की बड़ी कंगाली आने वाली है, क्योंकि बड़ी बाइक्स लेंगे तो उनमें तेल भी भाई उसी हिसाब से चाहिए। तो आप लोगों से बस एक ही सपोर्ट चाहिए मुझे कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, क्योंकि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा और मैं बाइक भी नहीं ला पाऊँगा, ठीक है। तुम लोग देखने वाले बनो, हम आपको बाइक दिखाएंगे बहुत बढ़िया सी जो हमने सेलेक्ट की भी अपने लिए, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। मतलब मैंने बोल दिया है, एक हिंट दे दिया है, जल्दी आ जाएगी। और बाइक ऐसी है कि देहरादून में शायद एक दो ही, वैसे मुझे पता भी नहीं है, मैंने देखी भी नहीं है किसी के बस, तो गेस करो कमेंट बॉक्स में, गेस करो कि कौन सी बाइक हो सकती है, ठीक है। सही आंसर देने वाले को हम जो है शाउट आउट देंगे अगली वीडियो में हमारी, तो गेस करो और फटाफट से बताओ कौन सी बाइक होने वाली है वो जो देहरादून में। मैंने तो देखी नहीं है, फिर भी मैं एक आइडिया से आपको बता रहा हूँ कि एक दो ही होंगी, तो कमेंट बॉक्स भर दो भाई इसी चीज़ से प्लीज़। तो हाँ जी, गाड़ी का रीडिंग, बाइक की रीडिंग है 98.3 किलोमीटर्स भाई, बहुत एवरेज दे दिया, इसके बाद मैं एवरेज नहीं निकाल सकता, ये आराम से 100 क्रॉस कर जाएगी, इतनी श्योरिटी हो गई है मुझे। और लेकिन इससे ज़्यादा हम जो है इसको नहीं तरसाएंगे, अभी इसको फ्यूल पिला देते हैं थोड़ा सा, पता लग रहा है आगे, क्योंकि काफ़ी लंबा स्ट्रेच है, मान लो 2 किलोमीटर में तेल ख़त्म हो गया तो लंबा धक्का मारना पड़ेगा, इसलिए हम यहीं से फ्यूल डला देते हैं। इतना तो पक्का है कि 50+ एवरेज है, इतना पक्का है, क्योंकि अभी मैंने टैंक खोल के देखा था तो काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी में अभी भी पेट्रोल इसमें बचा हुआ था। तो अभी जो है फ्यूल अप करा लेते हैं, क्योंकि नियर बाई में यही पेट्रोल पंप है फिलहाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और बता दिया मैंने 2-3 चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट बताई, उनका ध्यान रखना। और सिटी राइड्स के लिए भाई इतना एवरेज काफ़ी होता है मेरे हिसाब से, तो काफ़ी ज़्यादा होता है।